वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि देख सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेमेस्टर 6 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। 4 किसके लिए? तो वीव्यू के लिए, ठीक है, जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट है उनके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि बीबीएमक्यू में एग्जाम नहीं हुआ है, तो बीबीएमक्यू में एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम फिर बीबीएमक्यू का भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि सेमेस्टर 6 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे सेमेस्टर 5 में आप लोग पेपर 11 और 12 दिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13 एंड 14 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब सेमेस्टर 5 में क्या दिए थे? डीएससी 1 और डीएससी 2 दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे डीएससी 3 और डीएससी 4 आ जाएगा। मीन चार पेपर आपको देना होगा कम्प्लीटली 100 मार्क्स का। एक्चुअली में 20 मार्क्स जो होता है इंटरनल होता है, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का एग्जाम देना होता है। तो पेपर 13 में जान लेते हैं क्या है। तो मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है। इसकी बुक आती है लालजी प्रसाद की बुक आती है, ओके। तो मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 13 में है। फिर 14 में क्या है? वेक्टर स्पेस है। तो सब जितने भी यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेजेस हैं उनमें तो सारे सेम ही रहते हैं, ठीक है। बीबीएमक्यू हो गया, वीव्यू हो गया, तो पेपर 13 और 14 सेम रहता है, यही पढ़ने रहता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस है। देन डीएससी 3 आते हैं। तो डीएससी 3 में क्या है कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो हमारा है वो सारे यूनिवर्सिटी में भी, मीन्स दोनों यूनिवर्सिटी में सेम है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही पढ़ना होगा। अब आती बात यहाँ पे जो हमारा क्या है डीएससी 4 है, यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन रहता है कि यहाँ पे चूज कर सकते हैं आप लोग जो आपका कॉलेजेस मीन्स प्रोवाइड करेगा वो, या फिर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है वीव्यू के स्टूडेंट, जो भी आपका कॉलेज देगा, ठीक है, वो हम सारा करवाएंगे, ओके। यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम सारा करवाएंगे, ओके। तो मैकेनिक्स मान लेते डीएससी 4 में किसी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स ज्यादातर रहता है, ठीक है। यहाँ बीबीएमक्यू में मैकेनिक्स चलता है, वीव्यू में बहुत सारे कॉलेजेस में मैकेनिक्स रहेगा, बहुत सारे कॉलेज में भी मैथमेटिकल मॉडलिंग रहेगा, ठीक है। थ्योरी ग्राफ थ्योरी तो नहीं रहेगा, एटलीस्ट मैथमेटिकल मॉडलिंग रहेगा, ठीक। तो अगर मैकेनिक्स रहता है तो मैकेनिक्स में दो चीज पढ़नी होती है, स्टैटिक्स प्लस डायनेमिक्स, दोनों पढ़नी होगी, ठीक। एंड आप देखिए इसकी बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स ये है, ये ऑनलाइन क्लासेस की बेनिफिट्स, ठीक है, ये पेपर की बेनिफिट्स नहीं, ऑनलाइन क्लासेस की बेनिफिट्स ये है कि आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है, रेगुलर क्लास चलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा अवेलेबल, ओके। एंड संडे क्या होगा, टेस्ट होता है, संडे संडे हमारा टेस्ट होता है। सेमेस्टर 5 का भी हम ट्यूशन करवाएं, हर संडे को टेस्ट होता था और 6 दिन हमारा रेगुलर क्लासेस चलता था, 1 आवर टू 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटे के क्लासेस चलते थे, जैसे जरूरत के अनुसार क्लासेस चलते थे। एंड ट्यूशन जो स्टार्ट हो रहा है वो कितने स्टार्ट हो रहा है, देखिए 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और मॉर्निंग में 6 AM। तो सभी को जुड़ जाइएगा, ठीक है, ट्यूशन में। हम लिंक शेयर कर देंगे, वैसे भी सारा किस में होगा पता है आप लोगों को, YouTube में होगा, ठीक है, YouTube में होगी, ऑनलाइन क्लासेस होगी सारी, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में ना ऑनलाइन ट्यूशन होगी, तो ऑनलाइन ट्यूशन होगी, घर बैठे आप लोग पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और आती है बात मैन इसकी क्या है कि इसकी फी कितनी है ना, सेमेस्टर 6 की जो फी है वो कितनी है। तो फी जो है हमारा वो कितनी है, ओनली 1500 है, ठीक है, 1500 है। पूरा पेपर हम कंप्लीट करवाएंगे, चारों पेपर कंप्लीट करवाएंगे जो आपका कॉलेज दिया गया है उसमें से करवाएंगे, ओके। और ये तीनों तो होगा ही होगा और ये फोर्थ वाला भी आराम से होगा। तो 1500 में चारों पेपर हो जाएगा, प्लस इसमें क्या देते हैं हम, गेस्ट क्वेश्चन भी देते हैं, ठीक है। गेस्ट क्वेश्चन का अगर किसी का सॉल्यूशन नहीं है आप लोगों के पास तो हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक। और रही बात अगर पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने के लिए हम नंबर दे देंगे, पहले आप लोग ट्यूशन ज्वाइन कीजिए, ओके। यूट्यूब पे ही क्लासेस होगी तो नोटिफिकेशन चला जाएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुष्मिता शर्मा क्लासेस चैनल है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग को 6 AM में नोटिफिकेशन आ जाएगा 2 अप्रैल को, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो 2-3 दिन पब्लिक रहेगा, उसके बाद फिर हम प्राइवेट कर देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम जिनके पास नहीं है तो टेलीग्राम भी अपना डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम में मेरा ग्रुप है तो उसमें ज्वाइन होइए, फिर हम मैसेज कर देंगे आप लोग को। जिनको भी क्लास करनी है वो हमको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीके? जिनको क्लास करनी है उनको कॉल कर लीजिएगा, ये नंबर है और नंबर भी नीचे में भी चल रहा होगा नंबर, या फिर ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, ठीक। और पेमेंट तो वो 2-3 दिन के बाद बताएंगे, जो जो ट्यूशन करेंगे उन्हें वही पेमेंट करेंगे ना, सारे को क्यों पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट वाला बाद में बताएंगे प्रोसेस, वो तो ऑनलाइन ही, सभी को ही तो फोन पे चलाते होंगे, गूगल पे चलाते होंगे, सो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट, ओके।
तो यहाँ तक थी ये इन्फॉर्मेशन देना था आप लोग को। अगर रही बात इसकी बुक की रिव्यू करने की, ठीक है, तो बुक अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन कौन सा बुक खरीदे तो अगर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम बुक पे भी एक वीडियो बना देंगे, तो आप लोग खरीद लेंगे बुक, ठीक है, कौन कौन से बुक कंपलसरी है, मीन्स कौन कौन से बुक खरीदनी चाहिए सेमेस्टर सिक्स में। ओके, तो जिनको ट्यूशन करनी है ट्यूशन कर सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है और फी भी हम बता चुके हैं, 1500 ओनली फॉर फी है। और उसके बेनिफिट्स, बहुत बेनिफिट्स होते हैं, सेमेस्टर फाइव जो ट्यूशन किए हैं तो उन लोग से पूछ सकते हैं, ठीक है, वो लोग बता सकते हैं कि कितना बेनिफिट्स हुआ है एग्जाम में। ओके, तो थैंक यू सो मच।